पूरा सोनपुर मेला से जो घोड़ा है वो गायब हो गया है, तो आपका ये आखिरी मुझे लग रहा है कि घोड़ा है यहाँ पे। हाँ, लोड कल दो गाड़ी लोड कर गया। हाँ, आज दो गाड़ी लोड हो, मतलब ये आखिरी दिन है आज घोड़ा बाजार का। हाँ, और आप आखिरी व्यापारी हैं। हाँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। एक और वीडियो में वापस आप सबका स्वागत है। और आज का ब्लॉग जो है वो सोनपुर मेला घोड़ा बाजार का अपडेट को लेकर है। बहुत सारे भाई लोग हमारे कमेंट कर रहे थे वीडियो में कि घोड़ा बाजार का क्या अपडेट है, वो अपडेट बताइए, क्या घोड़ा बाजार है या फिर समाप्त हो गया है। वो सारे अपडेट आपको इस वाला ब्लॉग वीडियो में आपको मिल जाएगा। और अभी मैं आ चुका हूँ घोड़ा बाजार जो सोनपुर मेला में लगा हुआ था उसी वाले एरिया में। और मेरे पीछे आप देख सकते हो ये जितना बगान आपको दिख रहा है ये सारे बगान बिल्कुल खाली हुआ है। एक भी जगह पे आपको घोड़ा देखने को नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा ये जो बगान आप देख रहे हो, घोड़ा बाजार आप देख रहे हो, ये पूरा घोड़ा बाजार जो है वो खाली हो चुका है। आज जो है वो सोनपुर का तीसरे हफ्ते चल रहा है, यानी कि 21 दिन पूरे हो रखे हैं। और 21 दिन में ही जो है वो घोड़े सारे के सारे गायब हो गया है, एक भी आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रहा होगा घोड़ा। तो चलिए मैं पूरा जो है वो घोड़ा बाजार दिखाता हूँ, क्या कहीं कुछ घोड़ा है या पूरा का पूरा घोड़ा खत्म हो गया है, पूरा का पूरा घोड़ा सोनपुर बाजार से चला गया है। वो सारा अपडेट आपको मिल जाएगा इसी वाली ब्लॉग वीडियो में। अभी देखिए मेरे सामने जो है वो एक घोड़ा गाड़ी पे जो है, यानी कि जो मिनी ट्रैक है उस पर घोड़ा लोडिंग किया गया है यहाँ से लेकर जाने के लिए। तो इक्का दुक्का जो घोड़े बचे हुए हैं वो सारे घोड़े जो है वो चले जाएंगे आजकल में, यानी कि जब आप यहाँ पे घूमने के लिए आओगे तो आपको घोड़ा बाजार बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस ये देखिए दो जो घोड़ा है वो भी यहाँ से पलायन होने के लिए तैयार हो रखा है। भैया ये घोड़ा लेकर जा रहे हैं कि लेकर आ रहे हैं? लेकर जा रहे हैं। लेकर जा रहे हैं। तो घोड़ा बाजार क्या सोनपुर मेला से खत्म हो गया? खत्म हो गया। बहुत जल्दी खत्म हो गया। बस तो शुरुआत की शुरुआत तो है मेला ना। हाँ हाँ, तरह लगता है पूरा हफ्ते दो हफ्ते तक रहता है, उसके बाद खत्म हो जाते हैं। तो मुझे दिख रहा है एक भी घोड़ा नहीं है मार्केट में। और ये आखिरी घोड़ा था क्या यहाँ का? नहीं, यहाँ नहीं, ये इतिहास से आ रहा है। हेलो, इतिहास से आ रहा है, परसा से लादे हैं, जा रहा है झारखंड। अच्छा, झारखंड लेकर जा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से जो है वो घोड़ा मार्केट यहाँ पे खत्म हो गए हैं। ओनर आप ही है? नहीं सर, दूसरा आदमी। अच्छा, आप लेकर जा रहे हैं, इसको लेकर चले जाइएगा झारखंड, वहाँ पे भी मेला लगा हुआ है। अच्छा, खरीदा हुआ है। तो गाइस ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये सोनपुर मेला का आखिरी घोड़ा व्यापारी जो है वो है। और यहाँ पे भी जो है वो ट्रक पे घोड़े और घोड़ियां जो है वो लोड होना शुरू हो गया, यानी कि आज इनका अंतिम दिन है। और इसके बाद जो है पूरा घोड़ा बाजार जो है वो खाली हो जाएगा। तो सिर्फ एक ही घोड़ा बाजार के जो व्यापारी हैं वो यहाँ पे रुके हुए थे। और देखिए सामने जो है वो ट्रक, दो दो ट्रक आया हुआ है, तो आज जो है वो ये भी मार्केट चला जाएगा। आइए व्यापारी से बात करते हैं। आप ही का घोड़ा है? पूरा सोनपुर मेला से जो घोड़ा है वो गायब हो गया है, तो आपका ये आखिरी मुझे लग रहा है कि घोड़ा है यहाँ पे? हाँ, लोड कल दो गाड़ी लोड कर गया। हाँ, आज दो गाड़ी लोड हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो घोड़ा है वो पूरा मेला में आप ही के पास था। जी, जी। हमने आपका वीडियो भी कवर किया था, तो उसमें 120 घोड़े थे उस टाइम पे आपके पास। तो बाकी के अभी कितने घोड़े बचे हुए हैं आपके? देखिए हमारे घोड़े 50-55 घोड़े बचे हुए हैं। 50-55 घोड़ा अभी और बचा हुआ है। और ये आज पूरे घोड़े गाड़ी पे लोड करके निकल जाइएगा। कहाँ पे लेके जाएंगे ये सारे घोड़े को? देखिए यहाँ से तो सोरो जाएंगे। कहाँ पे? सोरो यूपी में लगता। अच्छा, यूपी में। और सोरो मेला लगता है, वहाँ से महाराष्ट्र मुंबई उधर चले जाएंगे। ओके, मतलब ये आखिरी दिन है आज घोड़ा बाजार का। और आप आखिरी व्यापारी है? अभी कल दो गाड़ी गया, आज दो गाड़ी जा रहा है। अभी 7-8 बच्चे जो यहाँ के बिकने लायक है। हाँ हाँ। तो 2-4 रोज हम रुकेंगे। 2-4 रोज आप रुकेगा, वो वही 2-4 बच्चे के साथ? जी जी। चलिए, तो अगर कोई भी घोड़ा व्यापारी यहाँ पे आना चाहते हैं तो ये लास्ट व्यापारी यहाँ पे बच रहे हैं। छोटे जो घोड़े के बच्चे हैं, यानी कि जो बछड़ा टाइप के हैं, वो सारे अभी बचे हुए रहेंगे जो दांत में नहीं है। हाँ। तो कोई बच्चे लेके जाना चाहते हैं तो वो आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर क्या है बता दीजिए? 9525-39-0010। तो ये रहे घोड़ा बाजार का जो आखिरी व्यापारी थे, उनसे मुलाकात कर रहे थे। और ये देखिए सामने आपको जितने भी घोड़े दिख रहे हैं वो सारे के सारे घोड़ा जो है वो इसी वाली ट्रक में जो है वो लोड होकर चला जाएगा यूपी में, क्योंकि वहां पे भी जो है वो अलग अलग मेला लग रहा है, तो वो सारे मेले में बिकने के लिए चला जाएगा। ये देखिए लोडिंग के लिए ये लोग आए हुए हैं। और ये सारे जो घोड़ा आपको दिख रहा है ये आज जो है वो सारे के सारे घोड़े निकल जाएंगे। ये देखिए इसी में से लेकर जाएंगे ये लोग। क्या घोड़ा लोड करने के लिए आए हैं? हाँ जी। कहाँ? यूपी लेकर जाइएगा? यूपी लेकर जाएंगे, सोरो। अच्छा,
आगे जो मेला है वो चल रहा है सोनपुर मेला, लेकिन जो घोड़ा बाजार है वो समाप्त हो गया है और ये आखिरी व्यापारी था जिससे हमने मुलाकात करवाया। बाकी जितना मैदान आपको दिख रहा है पूरा का पूरा मैदान जो है वो खाली हो रखा है, पूरा का पूरा मैदान वीरान हो गया है, एक भी घोड़ा आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस ये जो आप फील्ड देख रहे हैं, ये जो बगान आप देख रहे हैं, पूरा बगान देखिए बिल्कुल सुनसान सा हो गया। यही एक हफ्ता पहले अगर आप यहाँ पे आते तो पूरी तरीके से जो है वो घोड़ा बाजार यहाँ पे लगा हुआ था, पूरा बगान जो है वो घोड़ा से खचाखच भरा हुआ था। अब सिर्फ और सिर्फ घोड़ा जिसमें बंधा था वो सिर्फ खूंटा यहाँ पे बच के रह गया है और बहुत ही जल्द जो है वो पूरा घोड़ा मार्केट यहाँ से निकल गया है। इक्का दुक्का जो घोड़ा व्यापारी बचे हुए हैं वो भी आजकल में जो है वो निकल जाएंगे। यानी कि अब जब आप आओगे सोनपुर मेला घूमने के लिए तो आपको घोड़ा बाजार में घोड़े दर्शन नहीं होंगे। तो गाइस यहाँ पे देखिए दो पांच घोड़े आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा जो कि आजकल में ये भी चले जाएंगे और एक दो दिन में अगर आप आते हैं तो ये दो पांच घोड़े आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद ये भी मार्केट बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, यानी एक भी घोड़ा आपको यहाँ पे दर्शन नहीं देंगे। तो अभी इक्का दुक्का यहाँ पे जो है वो घोड़ा देखने को मिल जाएगा जो कि इस जगह को जो है वो घोड़े का गढ़ कहा जाता था। पूरा घोड़े का मैदान इसी जगह से लगना शुरू होता है और सामने जो पूरा फील्ड देख रहे हैं पूरे तरीके से घोड़े से भर जाता था और बहुत ही जल्द जो है वो पूरा घोड़ा बाजार खत्म हो गया है। ये देखिए दो चार घोड़े यहाँ पे हैं। कहाँ से आए बाबा? हम इसी जगह से। इसी जगह से हैं। घोड़ा बाजार बहुत जल्दी खत्म हो गया। खत्म हो गया। तो गाइस यहाँ पे कुछ लोग जो घोड़ा बाजार देखने के लिए आए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सत्येंद्र सिंह। कहाँ, पटना से आए हैं? हाँ बीटा। घोड़ा बाजार देखने आए थे जी। तो घोड़ा देखने को मिला आपको कुछ? ना, दो चार पांच को घोड़ा है और क्या है। यानी कि पूरा घोड़ा बाजार जो है वो समाप्त हो गया। हाँ हाँ। और जो दो चार पांच आप देख रहे हैं व्यापारी से भी हमने बात किया तो वो सब भी आज के डेट में चले जाएंगे जी। हाँ। इससे पहले कभी आए थे सोनपुर मेला घूमने के लिए? नहीं, आए थे एक बार बहुत पहले 7 बजे रात के लिए, फिर चले गए। आज आए थे सफर के, कितने विधिवत मेला घूमेंगे। बचपन में कभी घूमे थे? नहीं, बचपन में नहीं है। नहीं घूमे थे। यहाँ का बड़ा शोहरत सुने कि मेला लगता है जबरदस्त। एशिया का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है? यहाँ देखने का है तो कुछ तो है ही नहीं है, खाली आदमी जन के तनी भीड़ भाड़ थोड़ा बहुत है, जानवर के तो है ही नहीं है कुछ। पहले की तरह स्वरूप नहीं रहा मेला? नहीं नहीं नहीं। कहाँ से आए हैं आप घूमने के लिए? मैं हाजीपुर से आए। मेला घूमने आए हैं? तो कुछ देखने को मिला मेला में? अजूबा कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला, हर साल की तरह। और इस साल तो जो घोड़ा बाजार है वो भी समाप्त हो रखा है इस टाइम पे। अच्छा अच्छा। हाँ, पूरा घोड़ा बाजार चला गया। अगर पहले आप आते तो आपको घोड़ा वगैरह देखने को मिलता और अजूबा घोड़ा भी देखने को मिलता है। अभी तो कोई जनरल की तरह लग रहा है। अभी तो चला गया, अभी तो घोड़ा है ही नहीं, इक्का दुक्का है। ये भी दो चार घंटे में चले जाएंगे। दो चार घंटे में? हाँ हाँ, सारे चले जाएंगे। पूरा मैदान खाली हो गया। अगर आप एक हफ्ते पहले आते तो पूरा मैदान घोड़ा से भरा हुआ रहता। अच्छा अच्छा, जगह दूर दूर का घोड़ा से। आप कहाँ से आए हैं? बेटा से ही जी। इसके पहले कभी आए थे बचपन में आप? हम आए हैं। अच्छा, तीन बार आए हैं। हम लोग का तो बगले में है। पहले तो जो आप मेला देखते थे और उसमें आज में क्या डिफरेंस? बहुत बहुत अंतर है। क्या डिफरेंस है? व्यवस्था नहीं है, उतना जानवर आता नहीं है। हम तो हाथी भी देखे हैं, आया है। हाथी को तो बैन कर दिया 3-4 साल से, हाथी लगता है। तो उसके पहले भी हाथी हम देखे हुए हैं। हाथी हम देखे हैं, 4 साल पहले भी हम आए हैं। 4 साल पहले आए थे। चलिए, तो कुछ इस तरीके के जितने भी लोग यहाँ पे घूमने के लिए आ रहे हैं, इनका कहना है कि पहले की तरह सोनपुर मेला नहीं रहा। पशु मेला को लेकर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है लेकिन अब ये पशु मेला नहीं रहा। छोटी मोटी जो जिस तरीके से छोटे मोटे शहरों में मेला होता है उसी तरीके से हल्का फुल्का मेला में ही सिमट कर जो है वो ये पूरा सोनपुर मेला रह गया है। चलिए आगे आपको और भी चीजें जो है वो एक्सप्लोर करके मैं दिखाता हूँ। गाइस ये जो सामने आप फील्ड देख रहे हो, इस फील्ड पे जो है वो घोड़े की रेस हुआ करता था आज से एक हफ्ता पहले, और बारिश की वजह से मुझे लगता है कि मेले में सबसे ज़्यादा जो कमी आई है वो बारिश को लेकर आई है। जितने भी घोड़ा व्यापारी यहाँ से पलायन किए इतना जल्दी, उसका सबसे बड़ा रीज़न की अगर बात करें तो वो था बारिश से। बिन मौसम जो बरसात हुई उसकी वजह से जो है वो घोड़ा व्यापारी यहाँ पर रहने वगैरह का जो सुविधा था वो बहुत ही कम थी, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ से पलायन करके दूसरे जो मेला लगा हुआ है उस जगह पर चले गए हैं। कुछ यूपी में गए, कुछ राजस्थान में गए। अभी देखिए इक्का दुक्का जो है वो घोड़ा व्यापारी यहाँ पर बचे हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। आप ही का घोड़ा है? मेरा है साहब। अच्छा, आपका है। बहुत ही जल्द घोड़ा बाजार खत्म हो गया है, इसका क्या रीजन? मेले में बिक्री कमजोर था। अच्छा, बिक्री कमजोर था, बारिश भी वजह थी क्या? बारिश भी हो गई, इंतजाम भी चलाने लाने की यहाँ फील्ड बढ़िया नहीं है, इसीलिए बिक्री कमजोर था इस साल, इसीलिए सब भाग गए। अच्छा अच्छा।
मतलब पिछले साल के अपेक्षा इस बार बिक्री कम था। कम था, रंगीन बच्चा बिका। अच्छा, सुविधा था ये पानी वगैरह का, जो रहने सहने की व्यवस्था था? सुविधा तो जो है सही है, लेकिन यहाँ चलाने के लिए फील्ड नहीं है। अच्छा, फील्ड नहीं है। फील्ड नहीं। और सबसे बड़ा रीजन मुझे लगता है कि जो बिना मौसम के बरसात हो गया वो सबसे बड़ी, क्योंकि ठंडी का मौसम है और बारिश हो गई। बरसात तो मालिक की मर्जी है, लेकिन जब गिरहक नहीं आएगा व्यापारी भाग जाएगा, गिरहक आएगा तो अच्छा लगता है, बारिश होगी कुछ हो आदमी रहेगा। मुझे लगता है कि आप पूरे सोनपुर मेला में दूसरे नहीं तीसरे व्यापारी बच रहे हैं, एक और व्यापारी वो भी आज जा रहे हैं। सब आज चले जाएंगे, गाड़ी के लिए मैंने भी अप्लाई किया, गाड़ी मिल जाएगी चले जाएंगे। आज आप ही चले जाइएगा तो क्या दूसरा मेले में लेकर जा रहे हैं या फिर घर पे जा रहे हैं? नहीं, मेला गोविंद शाह लगेगा वहाँ। कहाँ पे है ये? ये आजमगढ़। अच्छा, आजमगढ़ यानी यूपी में लेकर जा रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से जो है वो घोड़ा व्यापारी का सारा सीन है, और आज जो है वो इनका आखिरी दिन है, यानी कि जितने भी मेले में आपको दिख रहा है घोड़ा बाजार में घोड़ा, वो सबका आज आखिरी दिन है और पूरा मेला जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आज का जो ब्लॉग है यहीं पे एंड करते हैं। घोड़ा बाजार तो लगभग जो है वो 99% समाप्त हो रखा है, और आज के बाद ये भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूँ ही जिंदगी जीते रहिए। भैया तू आ गया, वो हम तुम लोग से हाथ उठा के भरा करो ना बस। खींचे खींचे, अब पीछे लात मारेगा जी, देख के चल।